अमिताभ वेस्ट बहुत अच्छी लगी, अच्छी थी। अच्छा पार्ट टू का वेट कर। मूवी इज ऑसम, मूवी इज ब्लॉकबस्टर, डार्लिंग प्रभास इज बैक, आई कैन टेल यू। हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए। व्हाट अ इमोशन, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, फाइटिंग सीक्वेंस एवरीथिंग लाइक डीओपी, सुपर्ब ही डिड, एंड ऑल ओवर मूवीज ब्लॉकबस्टर, 2000 करोड़ इज श्योर। मूवीज यू कांट लीव सिंगल मिनट फ्रॉम मूवी, यू कैन वॉच 100%, एंड डार्लिंग प्रभास इज बैक, आई कैन टेल यू। ही इज ऑसम डायरेक्टर, आई कैन टेल यू। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई विल गो 1000 टाइम मोर एक्चुअली। आई एम वेरी एक्चुअली एक्साइटेड, आई कैन टेल यू। वेरी इमोशन, वेरी अटैच ड्रामा मूवी इज दिस इज एक्चुअली, एंड आई कैन टेल यू डार्लिंग प्रभास इज बैक। में भी दम नहीं है। बीएफएक्स की बात करें तो बीएफएक्स बहुत घटिया है, नल्ला बीएफएक्स है। इन्होंने 200 करोड़ बजट बताई है मूवी का, मैं तो बोलूँ यार 50 करोड़ नहीं कमाएगी बॉक्स ऑफिस पे। ठीक था बस, उतना खास नहीं थी बस, ऐसे ही वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे बस। थैंक यू। हाँ सही एक्टिंग थी उसकी, आराम से अच्छी थी उल्लू की, सॉन्ग्स वगैरह अच्छे थे, डांस भी अच्छी थी, मतलब सही था, सही मूवी थी। टाका बहुत ज़्यादा वो नहीं था। डायरेक्शन ठीक थे, थोड़ी ग्राफिक्स जो इनकी है ना वो थोड़ी मतलब वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब एज अ देख रहा था मैं तो वो चीज़ें पता चल जा रही थी, जैसे पीछे की जो वो सब ऑडियंस थी वो सब फेक, मतलब वो सब ग्राफिक्स जिनके एनिमेशन थे वो अच्छे नहीं, वीएफएक्स अच्छे नहीं थे इनके। एक्शन बहुत अच्छा था, थोड़ा सा वीएफएक्स थोड़ा सा कमज़ोर था बस, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, कहानी बहुत अच्छी थी। एक्साइटेड है कि सेकंड पार्ट भी देखना है और ज़रूर देखना है वो पार्ट। सबसे बड़ा बात है कि पिक्चर हम देख रहे थे तो हमें अपना पुराना जमाना याद आ रहा था, जब टीवी में WWF आता था और रिंग में आउट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट विल ब्लो योर माइंड, दिस लेवल ऑफ सिनेमा इज नॉट हैपेंड इन इंडिया टिल नाउ। बहुत मज़ा आया, मतलब मैं गूज बम, मतलब जितना कम बोलूँ मतलब उतना, मतलब क्या बोलूँ, मतलब प्रभास की जो एंट्री, एक एक एक्शन सीन्स, मज़ा आ गया लिटरली, पैसा वसूल गया। मैं क्या बताऊँ, मतलब हर एक मूवमेंट में जब भी देख रहा हूँ कोई ना कोई मूवमेंट ऐसा आ रहा है कि मतलब मैं गूज बम से, मतलब गूज बम भी छोटा वर्ड है मेरे लिए, बहुत नेक्स्ट लेवल, मतलब अमेजिंग, मज़ा आ गया, पैसा वसूल, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो का मज़ा आ गया। थैंक यू सर। माई गॉड दीपिका इज़ ब्रिलियंट, मतलब यू विल नॉट फील कि यार ये कोई स्टार है जिसने शाहरुख खान और इन सब के साथ काम किया है, यू फील कि आपकी कोई फ्रेंड एक्ट कर रही है वहाँ जाके, मतलब बहुत रिलेटेबल था, बहुत। पुट्स इन स्टोरी टेलिंग, जो मास अमाउंट ऑफ बिल्ड करते हैं, जो सीक्वेंस बिल्ड करते हैं, उनके जैसा कोई बिल्ड नहीं कर सकता। कैरेक्टर बिल्डिंग और जो सपोर्टिंग कास्ट है उनका भी कैरेक्टर बिल्डिंग करना और उस लेवल को हाइप लेके जाना। We have seen action in this yes. So how you like the action? Next level action is on next level. Now we are getting why this movie got an A star. It's just because of his action. Action is top notch. सेकेंड हाफ तो फर्स्ट हाफ से भी 10 गुना ऊपर था, जो क्लाइमेक्स सीक्वेंस था और जिस पॉइंट पे एंड किया है मूवी, अभी से पार्ट टू के लिए हाइप बढ़ गई है मेरे लिए। स्टोरी लाइन में प्रभास का कुछ काम नहीं है एक्टिंग में, स्टोरी में वो बस एक्शन ही कर रहे हैं मूवी में, इसलिए 2.5 स्टार। जी मुझे बहुत पैसा वसूल लगी, जिस टाइप की मूवी देखने आया था मैं वैसी ही लगी, मैं कुछ अलग एक्सपेक्ट करके नहीं आया था। और हाफ से लेके सेकंड हाफ तक एवरी कैरेक्टर हैज पुट एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस मूवी। प्रभास इज इन अ फैंटास्टिक जॉब, जो प्रभास का जो एक्शन एंड उसका जो वो ऐसा दिखता है ना कि देखने मिल जाएगा, यू विल गेट हिट नॉस्टैल्जिया बाय सीइंग पहले का मूवीज। आई विल टेल यू फर्स्ट सीन से लेके एंड सीन तक पकड़ के रखा था। सो हाउ विल यू रेट दिस मूवी आउट ऑफ 5? 4 एंड हाफ। दीपिका पादुकोण आई थिंक इज नंबर 9। वेरी नाइस, आई थिंक शी हैज डन अ ग्रेट जॉब, शी इज अ वेरी गुड एक्टर एंड शी हैज डन रियली वेल। हां दैट इट्स अ फिल्म अबाउट ट्रायंफ, कि आप लड़ते रहो अपनी लड़ाई और कभी गिव अप मत करो। 5।